दादाजी बोल रहे हमारा फोटो शूट करो भाई, वो बोले भी ये बोले भी पूरी पूरी टोर शोर में आए हैं पूरी तैयारी के साथ सभी। क्या हो गया? 60 दिनों के लिए निकला हुआ भाई। कहाँ से? हैदराबाद से। और कन्याकुमारी जाएंगे? हैदराबाद कश्मीर तो मैं कन्याकुमारी। आज मैं गाड़ी इतने में गर्म करता हूँ, तू बैठेगा तो वैसी गर्म हो जाएगी। चलो फोटो शूट हो गया, अब चलते हैं। हमने भी चेकआउट करना है यार, टाइम हो गया, फिर निकलना है लद्दाख के लिए, तो दिखाते हैं। हाँ जी आ जाओ, बनाता हीरो दादा नू हीरो ही है। दादा हीरो है वो, देख लो ड्राइवर साहब को देखो। क्या हो गया भैया? पानी लाइयो। क्या हो गया? पानी अच्छा, चेकिंग चल रही है जैसे पायलट पक्का है हमारा। पानी चाहिए गाड़ी में डाल रहे। बाय बाय राजी भाई, चलो भाई। ठीक है भाजी, ख्याल रखियो। बजा ठीक है भाजी। ये श्रीनगर का मुगल गार्डन ये अपने मुगल सल्तनत ने बनाया था। यहाँ पे बहुत बढ़िया पार्क है और इसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं और बहुत सुंदर बना हुआ है जी। अंदर ऊपर से वाटरफॉल आ रहा है पहाड़ों से और ये सारा ये पानी जा रहा है उसमें, ये सामने डल लेक में। वो देखो सामने, अगर आप देख सकते हो तो सामने मुगल गेट है वो बिल्कुल डल लेक के अंदर। अगर आप सामने देख सकते हो शिकारा पे जा सकते हैं आप अंदर तक, मुगलों का गेट था वहाँ पे। और देखो अंदर थोड़ा दूर है शायद आपको दिख रहा हो, ये अपने मुगलों ने ना कश्मीर को बड़ा सुंदर बनाया था, उनको बहुत पसंद था ये कश्मीर। कश्मीर है भी बहुत सुंदर ना। वो देखो सामने मुगल गेट, कर दो यार साफ सूफ कर दो बढ़िया यार। गाड़ी बहुत गंदी हो चुकी है, गाड़ी बहुत गंदी हो चुकी है, हमने धुलवाने का फैसला कर लिया यार। इसके ऊपर हट जाएगा देव ऑन ट्रैक, स्टिकर लगवा लेते ना, स्टिकर लगवा। पारू पैसे कितने देगा? पारू पूछेगा पैसे लेगा। अगला कहता पता लगे दुनिया तो कुछ करना है। पता क्या करना है? पता तेल पुआने जे फिर पानी पे लगा जाने। स्कूटी ले चल जा, स्कूटी चलना स्कूटी पे। यामा की है जबर रेट पूछा क्या भाई साहब? पूछ ले क्या किराए पे देते हो क्या? अरे तेरे पास वो माइक्रो फाइबर वाला कपड़ा है क्या? 1000 रुपए कमाने हैं देव? मैं 1000 रुपए नहीं कमाने तो नहीं, वैसे तो मेहनत कहें क्या? अभी पारू ने बोला माइक्रो फाइबर, तू सिर्फ इसे स्पेलिंग पूछ ले, अगर इसे सही बता दी मैं 1000 रुपए भी कैश दूंगा। पारू पारू इधर आ, इधर आ एक बारी। आगे लगा दे गाड़ी, गाड़ी आगे कर एक बारी। देख तो इधर आ एक बारी,
अरे ये ट्रेन हट जाएगी यार। की लेना है? ड्राई फ्रूट। क्यों? साढ़े 500 रुपए का आधा किलो। 450 का लगेगा आधा किलो का? 450 का है। और क्या क्या है? जितने में गार वॉश हो रही थी इतने में सोचा पारू भी कुछ खान पीने का सामान ले लेते। तो यहाँ पे एक स्टोर है, स्टोर पे आए हम, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं। पारू और क्या चीज है? कैसे हो भैया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिक है। शाहिक, नाइस नेम। टाना, गर्मी है, आइसक्रीम खाएंगे अब। आगे स्टोर वाले भैया से हमने पूछा, वो हमने उनको बताया ना जैसे हम लद्दाख जा रहे हैं, तो कह रहे हैं आप आगे जाओगे आपको बहुत बढ़िया वेदर मिलेगा और बहुत मतलब कि बहुत मजे आ जाएंगे आपको। भाई जो रूट है जो रास्ते में दिखने को मिलेगा सब बहुत बढ़िया है। ले तू ठूस पहले इसको ले। कौन सी है? बटर स्कॉच मिली है। वो नहीं, चॉकलेट नहीं, चॉकलेट है ही नहीं। यही खा ले तू। होगी गाड़ी तैयार भैया? अभी कहा, अभी तो पानी पानी लगा जरा। अभी पानी पानी लगा। ओहो, अब कपिल जाए फॉर्म में, कसम ही धोता हूँ गाड़ी। पेन थोड़ी है कि देखिए कैसे पकड़ रखा है। अल्लाह पारू अरे कपड़ा मार। भैया मिट्टी तो नहीं साफ हुई अभी इसकी। कपड़ा मार दे वाला इसकी, तो अभी मिट्टी पॉलिश है तुम्हारे पास। इसकी मिट्टी नहीं साफ हुई अभी अच्छे से। हाँ बता। शीशा करवा पहले। साथ खड़ा हो जा भाई के, इधर आ जा। ये पारू कपड़ा कहाँ से ले गया? शोरूम में से चकले है। अंदर ये यामा का शोरूम है, यहाँ से कपड़ा उठा के ले गया है अंदर से। बेचारों का पता नहीं टेबल पे पड़ा था, हैंड ग्लोव था, पता नहीं क्या था, चक के ले आया। कहता इसी से साफ कर। हूँ कितने पैसे देगा? अब तो मैं लूंगा। अरे बंद कर ले यार, हूँ तू लेगा पैसे। जल्दी कर, जल्दी कपड़ा मार। हेलो
यार धुल गई हमारी गाड़ी, नोनी बन गई, नोनी नोनी कार। सही से धोई नहीं इन्होंने वैसे। ये देख निशान पड़े हैं अभी, इतना कुछ पड़ा है। ये देखियो ये गाड़ी धोई है। अरे बस ठीक है, जैसे धुल गई है। एक बार तो नोनी बन गई। ये गाड़ी धोई है, ये बीट पड़ी है, गाड़ी धोई है। पारू तो अपनी पाइप चालू कर यार, आप धोते हैं। बोनट देख लो कितना मैला होया पड़ा है। ये कितने इस हिसाब से कितने रुपए की धुलनी चाहिए? ये 20 रुपए दे देंगे। 20 रुपए ओए होए। अरे अंदर से थोड़े दिलवाई है, अंदर से थोड़ी दिलवाई है यार। कितनी है? 100 रुपए दी है। ठीक है बैठ, कम हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उप उप बार बार से धुलवाइए यार वैसे तो यार। चलो पंप पे ले। अब 50 रुपए की तोली ले ले, 50 रुपए की भाई बार्गेनिंग। 350 रुपए का तोली है वो। हाँ। जाएगा पता लगेगा बाजार में। कौन सा क्लोथ है वो? माइक्रो फाइबर है भाई। वो देखो चेक कर रहे फायर फाइटर्स। कौन सा रेस्टोरेंट है वो उधर वाला? हेलो, नीचे नहीं जा सकते? अभी देखते हैं, अगर नीचे जा सकते हैं तो नीचे जाएंगे। अभी अगर वो अलाउ करता कोई रिस्ट्रिक्शन, किसी से पूछना पड़े। अरे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना? रिस्ट्रिक्शन किसी की। चलो कोई रोक के सही अपने को। भाई जी रहना तैयार है? रहना से एचआर 26 क्षेत्र, एचआर नंबर मतलब बदमाशा का क्षेत्र।
भाई साहब की फोटो खिंचन लग गया है ना, वधिया फोटोग्राफर। सिंपल करू आ जा, हूं दिखाऊंगा। नहीं आई वधिया। ऐसे कैमरा ध्यान रखे आगे मेरे, काजू कुछ को भिड़ दे ठा, तेरी भाभी नु भी कर ली वीडियो कॉल। हमें एक बाइकर्स का ग्रुप मिला है, उनका भी यूट्यूब चैनल है यार, मलिक ब्लॉग, टीएक्स ब्लॉग। तो जाओ नीचे कमेंट भी करो और भैया के चैनल का सब्सक्राइब भी करो। आर्टी ने इनसे बाइक मांगा था, उन्होंने बाइक दिया, हमने बाइक राइड भी करी, एंजॉय किया यार काफी। तो आप लोग कहाँ, अभी लद्दाख से आए हो? लद्दाख से आ रहे हो? ओके ओके ब्रदर, ओके। सेम ऑन ट्रैक, डीप ऑन ट्रैक, डीप ऑन ट्रैक। क्या हरियाणा के भाई हो? हाँ जी, कैसे हो? ये इन भैया का होटल है यहाँ पे। होटल तो वैसे फ्रंट फेसिंग तो आके है, ये बैक से है यहाँ पे, क्योंकि उनकी पार्किंग वार्किंग थी तो बैक साइड से हम एंट्री कर रहे हैं। और बाहर का व्यू बहुत बढ़िया है, रूम तो नॉर्मल से ही है कारगिल में, बट व्यू बहुत अच्छा है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, ये सेकेंड फ्लोर है हमारा, फर्स्ट फ्लोर पे है। थोड़ी जगह डेंजरस ही है वैसे तो, ये कारगिल कब गोलियां बरस जाए पता ही नहीं। ये देखो जी, देव ऋषि, ये हमारे ब्रदर बैठे हैं, छोटे मोटे, छोटा और मोटा। इसको सत्र लेके कौन है? छोटा और मोटा, तू मेरे से छोटा है, ये मेरे से बड़ा है, छोटे मोटे। ये फीलिंग जगह करो आप, ये चाबी पकड़ो आप। नहीं बैठ रहे और पकड़ है। नहीं गाड़ी चला के कौन है फतेहबाद से? बैठो फिर साथ, लद्दाख बाड़ू मसीदा बैठो। अब तो हो गया ये भैया, ये यहाँ के ओनर है। क्या नाम है आपका?
गुलजार 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 भाई इनका होटल है, इन्होंने हमारे को होटल होटल ब्राउन हिल्स नियर बस स्टैंड कारगिल टैक्सी स्टैंड नियर बस स्टैंड कारगिल ये बस सामने बस स्टैंड है वैसे तो ये बस स्टैंड हो गया इधर टैक्सी स्टैंड है सामने से कितना पानी जा रहा है सुंदर सा व्यू है सामने हिल्स हैं क्लाउड्स हैं बहुत प्यारा व्यू है अब हम आ गए हैं यहाँ पे तो आज का स्टे हमारा यहीं पे है इसके बाद कल हम निकलेंगे लद्दाख के लिए तो अभी हम जा रहे हैं फ्रेश फ्रेश होते हैं चेक इन भी करना है फिर हम जाएंगे तो बाद में मिलते हैं वहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है कहाँ पे थोड़ी सी 10 किलोमीटर दूर दस किलोमीटर दूर सिर्फ रात को 8 बजे के बाद जाना रहते हैं पूछा है मैंने 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का बॉर्डर है वो देख उधर दिखे देखो उधर वो इस पहाड़ के पीछे ना इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है बिल्कुल ये कुछ कह रहे हैं बताइयो इंडिया पाकिस्तान अब पाकिस्तान जाके आएंगे पाकिस्तान पासपोर्ट लेके आए हो पाकिस्तान की मिट्टी को आते आगे वापस आ जाएंगे वो चेक पोस्ट है वहां पे ऊपर पार्ट के ऊपर टावर जहां टावर हां दिख रहा है उसी साइड पे उनका चेक पोस्ट यहां हमारा अच्छा यहां इंडिया का है वहां पे पाकिस्तान का है कहां पे चेक पोस्ट पे किसी भी टाइम जा सकते यहां तो आप कहां जा पाओ उस साइड बॉर्डर जा पाओ अच्छा बॉर्डर कितने बजे तक खुलता है यहां पे ये चेक पोस्ट दिख रहा है छोटा सा ये इंडिया और पाकिस्तान का चेक पोस्ट है यहाँ इंडिया है उस तरफ पाकिस्तान है यहाँ से है लगभग 10-12 किलोमीटर पे तो वहाँ जा सकते हैं भैया वहाँ जा सकते हैं कैसे यहाँ से नीचे पुल है वहाँ से क्रॉस करके आप जाना पड़ेगा तो भाई मतलब कि कार पे जा सकते हैं क्या चले कपिल तो कह रहे हैं तुम जाओ होए होए व्यू देख कितना सुंदर है टेरेस पे आए हैं पारू आया था स्पेशल मेरे को कहने कहता ऊपर आप बहुत अच्छा व्यू है टेरेस पे इनका डाइनिंग एरिया है रूम सर्विस यहाँ पे रूम सर्विस नहीं है कहते टेरेस पे आके खाओ बढ़िया खाना वाना यहाँ पे सर्व करेंगे ये अच्छा लग रहा है यार टेरेस भी तो भी दिखाऊँ आपको मौसम भी बहुत बढ़िया है क्या बढ़िया मौसम है यार कहाँ से आया जो तू नहीं नहीं मैं भी जा रहा हूँ बस हेलो थके बढ़िया गिरे थके पे चलो कल आपको बताते हैं कल का आपको दिखाते हैं कल अपने कितने बजे जाना है तो सुबह जल्दी सुबह साढ़े छह साढ़े छह साढ़े छह मैक्सिमम निकल जाएंगे यहाँ से और लद्दाख का रास्ता है कितनी दूर चार घंटे चार पाँच घंटे रास्ता है अच्छा मतलब अगर बिना रुके जाए तो पूरा दिन मतलब कि वहाँ लद्दाख घूमेंगे कल परसों पैक होंगे ठीक है तो कल हम सुबह सुबह निकल जाएंगे सुबह निकलेंगे तो जल्दी सोना भी पड़ेगा तो बाय बाय मिलते हैं कल सुबह लोगों को भाई साहब पहले लोगों को ये डालो कि ये होटल बहुत बढ़िया है कम रेट में कम रेट हाँ वो बता दिया बहुत बढ़िया जी रेट कम होटल बढ़िया है पैसे पूरे और टेरेस बहुत अच्छा है रूम सर्विस नहीं है कहते टेरेस पे आओ खाओ पियो बैठो आराम से कोई दिक्कत नहीं है रूम सर्विस कुछ भी नहीं है बढ़िया टेरेस बना रखा है पूरी रात चलो बाय बाय मैं वो रूम बंद करके आता हूँ एक बार ठीक है ओके चलो बाय बाय मैं एक बार रूम को लॉक लगाया देन उसके बाद खाना वाना खाएंगे हम भी और आज तो जल्दी सो जाएंगे क्योंकि सुबह सुबह निकलना है 6:30 बजे बाय बाय